माइनक्राफ्ट का सबसे वीकेस्ट मॉब कौन सा है? कहीं तुम लोग सोच रहे हो वो रैबिट है तो तुम बिल्कुल गलत हो, कहीं तुम लोग सोच रहे हो वो स्लाइम बेबी स्लाइम है तब भी तुम गलत हो, कहीं तुम लोग सोच रहे हो वो पैरोट है तब भी तुम गलत हो, कहीं तुम लोग सोच रहे हो वो सिल्वर फिश है तब भी तुम गलत हो, कहीं तुम लोग सोच रहे हो वो एंडरमाइट है तब भी तुम गलत हो। तो कौन सा मॉब बच गया जो माइनक्राफ्ट का सबसे वीकेस्ट मॉब है? देखो यार, आंसर तुमको बहुत ज्यादा ही शॉक कर देंगे, और मैं ऐसे कोई मॉब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो एक हिट में ना मरे, मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम लोग एक हिट में मार सके। ना हम लोग रैबिट को एक हिट में मार सकते हैं, ना उस पैरोट को, और स्लाइम बड़े स्लाइम को नहीं मार सकते, उसको मारने के बाद बेबी स्लाइम आता है तो स्लाइम बेबी स्लाइम नहीं गिना जाएगा। अब बात करें एंडरमाइट की, तो एंडरमाइट को भी नहीं मार सकते एक पंच में। तो कौन सा मॉब है? वो है बी। ये तुमको बहुत अजीब लग रहा होगा कि बी कैसे है, कहीं हम लोग बी को एक बार हिट करेंगे फिर वो तुमको काटेगी एक बार, और काटने के बाद मर जाएगी। कहीं तुमने साइंस पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि बी के ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं एक बार डंक मारने के बाद, इसलिए वो थोड़ी देर में मर जाती है। इसलिए बी को हम लोग वन पंच में मार सकते हैं, और माइनक्राफ्ट ने थोड़ी तो साइंस पढ़ी है, ये हमें आज पता चला।